नमस्कार, कांडेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी भी मौजूद रहे हैं। इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कर विधि व्यवसाय में सफलता हासिल कर सकते हैं। न्यायाधिपति कुलदीप माथुर ने अधिवक्ताओं को अत्यधिक मेहनत कर विधि सेवा में रहने का मंत्र दिया है। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष बलवंत बंजारा ने नई कोर्ट बिल्डिंग में जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के चेंबर बनाए जाने की मांग की है। यहाँ इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी एवं बार के सदस्य भी मौजूद रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की है। वही विशेष अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार रहे हैं। कार्यक्रम में बार काउंसिलिंग के सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा व राव रतन सिंह भी उपस्थित रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में छोटी सादरी व चित्तौड़गढ़ बार संघ अध्यक्ष उदयपुर बार की कार्यकारिणी भी मौजूद रही है। कार्यक्रम का संचालन तरुणदास वेदाई के एडवोकेट द्वारा किया गया है एवं आभार सचिव कमल सिंह सिसोदिया ने व्यक्त किया है। वहीं इस अवसर पर प्रतापगढ़ बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा व पूर्व बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष राव रतन सिंह सहित उदयपुर बार के अध्यक्ष राकेश मोगरा अधिवक्ताओं की टीम ने न्यायालय के बाहर भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर साथी अधिवक्ता भी मौजूद रहे। मनोज राठौर, कांडेल की आवाज, प्रतापगढ़।